भगवान राम को तो आप सभी लोग जानते होंगे और भगवान राम से जुड़े हुए बहुत रहस्यों के बारे में भी आप कुछ जानते होंगे। लेकिन गाइस आज हम आप लोगों को कुछ भगवान राम के बारे में ऐसा बताएंगे, हो सकता है कि इससे पहले आपने कभी भी इसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की होगी और ना आपके माइंड में ये सवाल आया होगा। लेकिन गाइस आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये बताइए आप लोग कि भगवान राम के बारे कितने नाम हैं, ये आप लोग कितने नाम उनके जानते हैं। आप लोग कहेंगे राघव भी कहते हैं उनको, रघुपति भी कहते हैं, रामचंद्र भी कहते हैं। लेकिन आप लोग ये बताइए गाइस कि भगवान राम का नाम रामचंद्र कैसे पड़ा, क्योंकि जब नामकरण उनका हुआ था तो उस वक्त उनका नाम राम रखा गया था, और रघुपति क्योंकि वो रघुकुल के स्वामी थे इसलिए उनका नाम रघुपति रख दिया। लेकिन रामचंद्र कैसे पड़ा, यही गाइस आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भगवान राम से जुड़ी ये स्टोरी आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। गाइस जब भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या आए हुए थे तो एक दिन उनकी सभा पूरी लगी हुई थी। उस वक्त भगवान रामचंद्र बैठे हुए थे उस सभा में और वो बता रहे थे अपने मंत्रीगण जो वहाँ बैठे हुए थे उन्हें, भगवान भरत को, शत्रुघ्न, उनकी माताएं भी उस वक्त उस सभा में उपस्थित थीं और उनके गुरु जो थे गुरुजन वो भी सभी लोग वहाँ बैठे हुए। तो भगवान राम ने बताया 14 वर्ष मैंने वन में किस तरीके से बताए, किसने मेरा साथ दिया, वो सब कुछ अपनी स्टोरी बता रहे थे। उन्होंने कहा जब रावण से युद्ध हुआ मेरा तो उस वक्त उसने सभी ने मेरा बहुत सहयोग किया, अगर वहाँ पर हनुमान जी ना होते तो शायद मेरा काम, बहुत सारे ऐसे काम जो मेरे अधूरे रह जाते। लेकिन गाइस हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम के कोई काम अधूरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो ईश्वर है, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन उन्होंने फिर भी उन सबकी उस सभा में बड़ाई की क्योंकि उनका सबका सहयोग लिया। वहाँ पे वनवास के समय हनुमान जी ने बहुत साथ दिया, उन्होंने बताया कि वरुण देव भी आए उन्होंने भी मेरी सहायता की, ब्रह्मा जी भी आए उन्होंने भी मुझे सहायता दी, शंकर जी आए उन्होंने भी मेरी बहुत सहायता की। मतलब उन्होंने सबके नाम गिनाए, सभी लोगों को बताया कि ये लोग ना होते विभीषण थे उन्होंने मेरी बहुत बड़ी सहायता की उस वक्त, सुग्रीव जी और नल नील का भी नाम लिया कि अगर वो ना होते तो शायद हम समुद्र पार नहीं कर पाते और सीता जी को अपनी नहीं ला पाते। उस वक्त उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और ऋक्षराज जामवंत जी ने भी मेरा बहुत साथ दिया उस 14 वर्ष के वनवास में। जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो इन सभी लोगों ने मेरा पूरा पूरा सहयोग किया, सबका नाम बारी बारी से बताते जा रहे थे भगवान राम। सूर्य भगवान ने भी उनका बहुत साथ दिया, सभी का नाम लिया, लेकिन भगवान राम ने चंद्र देवता का नाम नहीं लिया। तो चंद्रदेव ये सोच रहे थे कि भगवान राम सबके नाम ले रहे हैं, सबने सहयोग किया, उनका सबका नाम बता रहे हैं उस सभा में, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे। उन्हें बहुत ही अंदर से ग्लानी सी हुई, बहुत सोच में पड़ गए। तो उस समय भगवान जो चंद्रदेव थे वो उस सभा में पहुंचे, भगवान राम के आगे सर नवाया, प्रणाम किया उनको और बोले भगवान आपका सहयोग सभी ने किया, उसमें मैं भी तो शामिल हूँ, मैंने भी तो बहुत साथ दिया आपका, रात को मैं सोया नहीं, मैंने रोशनी की, सब कुछ आपके उस युद्ध में मैंने बराबर साथ दिया, लेकिन मैंने आपका, आपने मेरा नाम ही नहीं लिया इस सभा में। तो भगवान राम ने उस वक्त कहा कि सुनो चंद्रदेव कि मेरा नाम जो भी लेता भक्तजन, उस वक्त जब मेरा नाम लिया जाता है भगवान जब कहते हैं कि राम, तो उस वक्त भक्त जो होते मेरा उनका ध्यान मेरे सब परिवार पे भी जाता है, मेरी पत्नी की तरफ भी जाता है और सबसे ज़्यादा हनुमान जी का ध्यान आता है, जो भी हमारे कुटुंब भरत हैं, शत्रुघ्न मेरे भाई हैं, उनके सभी का ध्यान जाता है उस तरफ। लेकिन आज मैं तुम्हारा नाम मैं अपने नाम में शामिल करता हूँ, इसलिए आज से मुझे लोग रामचंद्र के नाम से जानेंगे।
तो भाई साहब इसलिए उनका नाम पड़ गया है भगवान रामचंद्र भगवान, इसलिए कहते हैं उन्हें रामचंद्र। क्या इससे पहले आपको मालूम था कि उनका नाम रामचंद्र क्यों पड़ा? तो कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर हमें लिखना, और अगर आप भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।